दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में देश के जाने माने दो पहलवानों के गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। विवाद इस कदर बढ़ा कि 23 साल के पहलवान की मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार मृतक पहलवान सागर भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। सागर मॉडल टाउन इलाके के जिस घर में रह रहा था वो सुशील पहलवान का बताया जा रहा है। सागर और सुशील के बीच इसी घर को लेकर विवाद था और पहले भी झगड़ा हो चुका है। पंजाब के गुरदासपुर में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक ने दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम दिया। युवक पर अपनी चचेरी बहन को ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या का आरोप है। बताया जा रहा है कि मनप्रीत सिंह नाम का शख्स रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। इस बीच उसकी चाची और चचेरी बहन ने उसे रोका। विवाद बढ़ा तो मनप्रीत सिंह ने दोनों महिलाओं पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में किसान के घर में चोर घुसा, लेकिन घर के लोगों की नींद टूट गई। चोर को पकड़ने के लिए किसान और उसके बेटे ने पीछा किया। बचने के लिए चोर ने किसान और उसके बेटे को गोली मार दी, जिसमें किसान के बेटे की मौत हो गई। गांव वालों ने गोली की आवाज सुनकर चोर को पकड़ लिया और पीट पीट कर आरोपी की हत्या कर दी। झारखंड के देवघर में पुलिस ने साइबर क्राइम के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चला रखा है। बुधवार को 14 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधी बैंक अधिकारी बनकर फर्जी मोबाइल नंबर से फोन करके लोगों से ठगी किया करते थे। आरोपियों के पास से बड़ी तादाद में मोबाइल फोन और एटीएम बरामद किया गया है। कोरोना संकट के बीच कानपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में बीच सड़क पर पति पत्नी जमकर मारपीट करते दिख रहे हैं। मारपीट इतनी जोरदार हुई कि घर वालों के बचाने पर भी दोनों एक दूसरे को मारते रहे। पता जा रहा है कि इन दोनों पति पत्नी का विवाद कई दिनों से चल रहा था, जो आज सड़क पर आ गया।